नाज़रीन आप देख रहे हैं अलहिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं माजिद सलाम। नाज़रीन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। सबसे बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के नौगाम से आ रही है, जहां पर मिलिटेंटों ने बीजेपी के लीडर अनवर खान पर हमला किया है। तो तहम तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा कि उसका एक SPO जख्मी है। तो बहरहाल पूरी तफसीलात के लिए सीधे ले चलते हैं अपने नुमाइंदे के पास। मीर आसिफ, क्या तफसीलात है आपके पास? जी सर, जैसा कि आपको पता ही है, अभी कुछ देर पहले नौगाम एरिया में बीजेपी की रेजिडेंस पे हमला हुआ था और जिसमें एक जो उसका गार्डिंग था, जो SPO था, वहां पे तैनात किया गया था जी। वो जख्मी हुआ था उसमें जी। पर हालांकि अभी कुछ देर पहले जब उसे SMHS हॉस्पिटल लिया जा रहा था, वहां पहुंचने के बाद ही उसकी मौत वाकई हुई जी। जी अभी तक बाकी वहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया है। जहाँ पर ये अटैक हुआ मिल्टन का, जहाँ पे अटैक हुआ बीजेपी लीडर पे, क्या इस वक्त पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया? जी जी, इस वक्त पूरा इलाका जो है वहाँ पे वो मुहासरे में है। बाकी हालात अभी कुछ नहीं है वहाँ से, बस लेटेस्ट अपडेट यही है, एक जो SPO था उसकी मौत हुई है जी। और जो बीजेपी लीडर वहाँ पे थे वो ठीक है अभी तक जी। जी तफसीला देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नौगाम में बीजेपी के लीडर पर हमला हुआ है, उसमें जो एक SPO उसका जो गार्ड था वो जख्मी हुआ, जख्मी की हालत में अगर उसे SMHS हॉस्पिटल मुंतकल किया गया था, तो तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा कि उसने वहां पर दम तोड़ा है। नाज़रीन आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे।